हेलो एवरीवन, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट फ्रिक्शन। ये क्लास जो है इट इज़ इंटेंडेड फॉर क्लास 11th स्टूडेंट्स, नीट स्टूडेंट्स एंड जेईई मेन स्टूडेंट्स। लेट्स बिगिन। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर कि एक बॉक्स को घसीटा जा रहा है दो सरफेस, मतलब सेम बॉक्स है, एक बार एक सरफेस पर, दूसरे बार दूसरे सरफेस पर। अब दोनों सरफेस का मैं नेचर बता देता हूँ। एक सरफेस स्मूथ है, लेट्स कॉल इट मार्बल सरफेस, और दूसरा सरफेस जो है रफ है, इसको कंक्रीट का मान लेते हैं, कंक्रीट का रोड, कंक्रीट सरफेस। तो सिमिलर बॉक्स है, एक ही जैसा बॉक्स है, उसको खींचा जा रहा है। मान लो देयर इज अ पर्सन हियर हु इज पुलिंग इट बाय फोर्स F1, और यहां पर भी एक पर्सन मान लो हु इज पुलिंग इट बाय फोर्स F2। तो एक्चुअली इट इज मूविंग इन मोशन, स्लिप कर रहा है विथ वेलोसिटी V1, और यहां पर कुछ वेलोसिटी के साथ ये भी मूव कर रहा है V2 मान लो। अब यहाँ पर तुमको ये बताना है कि किसको ज़्यादा फोर्स लगेगा, किसको ज़्यादा मुश्किल होगा इसको पुल करना, इस बॉक्स को पुल करना। तो देखो, इसको समझने के लिए हम सरफेस के नेचर को समझते हैं। मान लो दिस इज़ द सरफेस रफ, ये जो रोड माना जिसको, वो मान लो दिस लाइक रोड, और इस पे बॉक्स को मान लो। दिस इज बॉक्स। देखो एक्चुअली जब माइक्रोस्कोपिकली देखोगे तो बॉक्स का मैं लोअर पार्ट बना रहा हूँ, लोअर सरफेस, वो इस तरह से उसमें इरेगुलरिटीज होगा। उसी तरह से ये जो रोड या फिर सरफेस को देखोगे, है ना, जिसपे कि बॉक्स रखा हुआ है, डैट इज ऑल्सो ऑफ दिस काइंड ऑफ नेचर, इरेगुलरिटीज रहे। होता क्या है कि दोनों के इरेगुलरिटीज एक दूसरे में फंस जाते हैं। ये जो नुकीला वाला पार्ट है, इस तरह से समझ लो कि एक का नुकीला वाला पार्ट दूसरे के नुकीले वाले पार्ट में फंस जाता है, और डेट इज़ वाई इस इरेगुलरिटीज़ के कारण जो है एक फ्रिक्शन का फोर्स लगता है जो कि अपोज करता है बॉक्स के मोशन को। तो यहाँ पर फ्रिक्शन लगेगा एक बॉक्स के ऊपर जो कि मोशन को प्रिवेंट करेगा। तो रफ सरफेस में क्या होता है, इरेगुलरिटीज़ ज़्यादा होता है, और स्मूथ सरफेस में इरेगुलरिटीज़ कम होता है। डेट इज़ वाई यहाँ पर ज़्यादा प्रिवेंट करेगा मोशन को, अपोजिशन कहाँ पर होगा ज़्यादा, रफ सरफेस में, कॉन्क्रीट के फ्लोर पे ज़्यादा अपोजिशन होगा। तो फ्रिक्शन को हम बोल सकते हैं, फ्रिक्शन इज ए फोर्स, फ्रिक्शन इज अ फोर्स, वी कैन डिफाइन फ्रिक्शन इज ए फोर्स विच प्रिवेंट्स रिलेटिव मोशन। अब रिलेटिव मोशन का क्या मतलब है, आप रिलेटिव मोशन का सिंपल मीनिंग जो तुम समझते हो वही है कि एक सरफेस का दूसरे सरफेस के रिस्पेक्ट में मोशन, और एक सरफेस का दूसरे सरफेस के रिस्पेक्ट में जो मोशन होता है उसको बोल सकते हो स्लिपिंग। तो ये एक्चुअली स्लिपिंग को प्रिवेंट करता है। फ्रिक्शन नहीं चाहता है कि एक सरफेस दूसरे के सरफेस के ऊपर स्लिप करे, स्लाइड करे या रगड़े। दिस इज द नेचर ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इस स्लिपिंग को अपोज करने की कोशिश करता है। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तो देखो 11th के हिसाब से दो टाइप के फ्रिक्शन अभी तो पढ़ोगे। तो एक होगा काइनेटिक फ्रिक्शन और दूसरा होगा स्टैटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जो तुम अभी पढ़ोगे वो होगा काइनेटिक, और दूसरा जो होगा वो होगा स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक, तो ये था फ्रिक्शन के टाइप्स, और एक एक करके दोनों को देख लेते हैं। फर्स्ट वी फोकस ऑन
काइनेटिक फ्रिक्शन, पहले हम बात करेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में। तो देखो, काइनेटिक फ्रिक्शन तब होता है जब दो बॉडीज के सरफेस आपस में स्लिप करते हैं, मतलब व्हेन रिलेटिव मोशन हैपेंस तब काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, व्हेन रिलेटिव मोशन अकर्स। रिलेटिव मोशन मतलब स्लिपिंग, जब जब भी तुम देखो कि बॉडीज के बीच में स्लिपिंग हो रहा है तो फिर समझ जाओ कि फ्रिक्शन कौन सा है, काइनेटिक फ्रिक्शन, रिलेटिव मोशन अकर्स। ठीक है, जैसे मान लो कि एक एग्जांपल लेते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं हम कि एक फ्लोर है और उस पर तुमने देखा होगा कि मान लो कि एक ब्लॉक मूव कर रहा है, उसको कुछ वेलोसिटी से मूव करते हुए तुमने देखा होगा एक सरफेस पर, कुछ वेलोसिटी से मान लो, तो तुम देखते हो कि आगे जाके ये रुक जाता है, ये ब्लॉक क्या होगा आगे जाके रुक जाएगा। ऐसा क्यों होता है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो एक्चुअली जो है, मैंने बताया ना कि सरफेस आर इरेगुलर नेचर, इरेगुलरिटीज रहता है, और डेट इज़ वाई इट विल प्रिवेंट द सरफेस विल प्रिवेंट द ब्लॉक्स मोशन, सरफेस फ्रिक्शन लगाएगा इस ब्लॉक के ऊपर, और डेट इज़ वाई ये ब्लॉक तुम देखते हो कि आगे जाके रुक जाता है। तो अब काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू को हम देखेंगे किसके ऊपर डिपेंड करता है। देखो काइनेटिक फ्रिक्शन को जो है ना हम डिनोट करेंगे एफ के से। तो देखो एफ के जो होता है इट इज़ प्रपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू बॉडीज, दो बॉडीज जिनके सरफेस टच कर रहे हैं उनके बीच में नॉर्मल रिएक्शन कितना है उसके ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन डिपेंड करता है। तो फॉर एग्जांपल देखो, मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ, उससे तुमको समझ में आ जाएगा। एक बॉक्स मान लो दिस इज एम्प्टी, और दूसरा बॉक्स मान लो सिमिलर बॉक्स ले लो, इट इज फिल्ड, इसमें ना कुछ सामान रख दो, कुछ ईट वगैरह कुछ रख दो इसमें, इट इज़ फिल्ड, या वाटर जो भी है उसको रख दो। अब ये बताओ कि दोनों को अगर पुल करना है, सरफेस पे पुल किया जा रहा है, एफ वन फोर्स और ये एफ टू फोर्स, किस में ज़्यादा ताकत लगेगी, किस में, तो फील्ड वाले में ज़्यादा लगेगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखो इन दोनों के बीच में यहाँ पर इस बॉक्स है ना और इस सरफेस के बीच में नॉर्मल रिएक्शन जो होगा यहाँ पर, दिस नॉर्मल रिएक्शन विल बी एन टू, और यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन होगा एन वन, एक्चुअली यहाँ पर एन टू विल बी ग्रेटर देन एन वन, और डेट इज़ वाई फ्रिक्शन जो होगा एफ टू जो होगा विल बी ग्रेटर देन एफ वन। तो नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल पाया जाता है काइनेटिक फ्रिक्शन को। तो तुमको पता ही है कि प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाओगे तो एक कांस्टेंट लगेगा, वो म्यू के आता है इस केस में, के यार स्टैंड्स फॉर काइनेटिक, म्यू इज़ कॉल्ड कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू जो है कांस्टेंट है उसको बोलते हैं कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन, एक्चुअली म्यू के का मतलब हो जाएगा कोफिशेंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये आ गया म्यू के इंटू एम, इसकी वैल्यू जो है म्यू के जो है ये रफनेस के ऊपर डिपेंड करेगा, सरफेस अगर ज़्यादा रफ होगा तो फिर म्यू के का वैल्यू ज़्यादा होगा, और सरफेस अगर कम रफ होगा तो फिर म्यू के का वैल्यू कम मिलेगा। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। देखो काइनेटिक फ्रिक्शन बहुत ही आसान है, बस तुम ये देख लो कि अगर तुमको दिया गया है कि ब्लॉक स्लिपिंग हो रहा है दो सरफेसेस के बीच में, जैसे कि मान लो कि यहाँ दिया गया है कि दिस इज मूविंग विद सम वेलोसिटी v, इस बॉक्स का इस ब्लॉक का मान लेते हैं कि मास है 10 kg, ठीक है, और यहाँ पे हम मान लेते हैं म्यू के की वैल्यू तुमको क्वेश्चन में दिया रहेगा, म्यू के इक्वल्स टू मान लो 0.3 है। अब ये बताओ कि इसमें कितना काइनेटिक फ्रिक्शन लगाएगा इस बॉक्स के ऊपर जो है, इस ब्लॉक के ऊपर कितना काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो बहुत आसानी से तुम बता सकते हो कि देखो एफ के इक्वल्स टू तुमको पता है होता है म्यू के इंटू एन, तो
एन निकाल लो, म्यू के की वैल्यू दिया हुआ है, देखो एन कितना लगेगा, तो इस ब्लॉक पर जो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर लगेगा एन इक्वल्स टू होगा एम जी, और एम एस 10 और जी की वैल्यू 10 ले लो 100 न्यूटन। तो फ्रिक्शन यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो, म्यू के इज 0.3 इंटू 100 दैट इज डेट विल बी इक्वल टू 30 न्यूटन। तो यहाँ जो फ्रिक्शन का जो फोर्स लगेगा इसके ऊपर वो वेलोसिटी के अपोजिट में 30 न्यूटन का लगेगा। तो अब हम बात करेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में। सो द सेकेंड टाइप ऑफ फ्रिक्शन दैट वी स्टडी इज स्टैटिक फ्रिक्शन। देखो जब रिलेटिव मोशन बॉडीज़ के बीच में नहीं होता है, सरफेसेस के बीच में, तब जो फ्रिक्शन लगता है हम उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इसको हम बोल सकते हैं व्हेन, जब दो सरफेसेस तुम देखोगे कि आपस में स्लिप नहीं कर रहा है, उनके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, तब जो फ्रिक्शन लगेगा वो बोला जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन, व्हेन नो रिलेटिव स्लिपिंग अकर्स, रिलेटिव मोशन अकर्स। तब जो फ्रिक्शन लगेगा उसको हम बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल इज कि एक फ्लोर मान लो, दिस इज लेट्स कॉल इट फ्लोर, और इस पे एक हैवी बॉक्स, हैवी बॉक्स, और इसको मान लो कि सम ए वीक पर्सन थोड़ा या एक चाइल्ड मान लो इज ट्राइंग टू पुश इट एंड ही इज अप्लाइंग अ फोर्स एफ और इट इज नॉट मूविंग। तो अब मूव नहीं कर रहा है तो भी देखो फ्रिक्शन लग सकता है, क्योंकि तुम देखो कि अगर ये अकेला फोर्स एफ लगता तो फिर इसका मतलब है कि मूव करना चाहिए बॉडी, लेकिन ये बॉडी तो मूव कर नहीं रहा है, तो इसका मतलब न्यूटन्स लॉ अप्लाई करोगे तो इसका मतलब फोर्सेस शुड बी बैलेंस, और फोर्सेस अगर बैलेंस्ड है तो एक ही चांस है, एक ही पॉसिबिलिटी है यहाँ पर कि यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स है फ्रिक्शन जो है ग्राउंड जिस पे कि ये बॉक्स रखा गया है। ग्राउंड इज एग्जर्टिंग द फ्रिक्शन फोर्स ऑन इट्स बेस, है ना, तो वही इसको रोक रहा है। अगर न्यूटन्स लॉ की बात करो कि इट इज़ नॉट मूविंग कंडीशन, है ना, अगर नॉट मूविंग है तो इस केस में जो है ना अप्लाइड फोर्स विल बी इक्वल टू द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स इक्वल होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में हम लोग यहाँ तक देख चुके हैं। अब देखो इस फोर्स की ना एक मैक्सिमम वैल्यू होती है, उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। एक बार देखते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, सॉरी स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। कहने का मतलब देखो यहां पर ये जो अप्लाई कर रहा है ये जो बॉय है, इट इज अप्लाइंग स्मॉल फोर्स, दैट इज व्हाई दिस बॉक्स इज नॉट मूविंग। इसका ये मतलब नहीं है कि फोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ाओगे तो भी ये बॉक्स मूव नहीं करेगा, मतलब इस फ्रिक्शन की जो है एक ताकत लिमिटेड होती है, एक मैक्सिमम वैल्यू तक जो है ना ये रोक पाएगा, एक वैल्यू सर्टेन वैल्यू तक तो ये बॉक्स को रोक लेगा, उसके बियॉन्ड नहीं। एक मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर फ्रिक्शन की होती है जिसके बियॉन्ड ये बॉक्स को के स्लिपिंग को रोक नहीं पाएगा, और इस मैक्सिमम वैल्यू जो होता है फ्रिक्शन का उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसकी वैल्यू जो है दी जाती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है एफ लिमिटिंग एकदम काइनेटिक फ्रिक्शन की तरह डिफाइन होता है, और वो होता है म्यू एस इंटू एन,
इन द सेम वे एज काइनेटिक फ्रिक्शन वाज डिफाइंड, नॉर्मल के ऊपर डिपेंड करता है लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू। नॉर्मली जो होता है म्यू एस इज स्लाइटली ग्रेटर देन म्यू के। अगर नहीं दिया हुआ है कुछ भी, अगर नहीं दिया है देन म्यू एस इज इक्वल्स टू म्यू के इक्वल्स टू म्यू एज्यूम करना है। क्वेश्चन में केवल सिंगल वैल्यू म्यू दिया है तो उसी को, उस म्यू को मान लो कि वही स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशेंट है और काइनेटिक फ्रिक्शन का। यहाँ म्यू एस को हम बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशेंट, कोफिशेंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो आइए हम इसको स्टैटिक फ्रिक्शन को थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में हम एक ब्लॉक ले लेते हैं और वो एक सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। ब्लॉक का मास मान लो 10 kg और यहाँ पर म्यू एस की वैल्यू ले लो 0.4। और यहाँ पर इस बॉक्स के ऊपर एक फोर्स को अप्लाई कर दो, अप्लाई करो इस तरह से। अब तुम यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है कि एफ लिमिटिंग क्या हो, इसमें कई पार्ट्स बन सकते हैं क्वेश्चन के। तो पहला तुम ये बताओ कि लिमिटिंग फ्रिक्शन यहाँ पर क्या होगा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन तुमको पता है वो कितना होता है, म्यू एस इंटू एन होता है। यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन तुमको निकाल लो, नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, एम जी के बराबर होगा, एम जी और विच विल बी इक्वल टू 10 × 10 इक्वल्स टू 100 newton। 0.4 × 100 करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 40 newton। तो देखो इसको, इसके मोशन को अपोज करने के लिए जो ग्राउंड इस पर है ना, दिस इज ग्राउंड, ग्राउंड इस ब्लॉक पर मैक्सिमम फोर्स जो लगा सकता है वो है 40 newton। देखो एफ की मैक्सिमम वैल्यू है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हमेशा ये 40 newton ही फ्रिक्शन इस पर लगेगा, वो डिपेंड करेगा एफ के ऊपर, अप्लाइड फोर्स के ऊपर। तो अप्लाइड फोर्स की कुछ वैल्यूज हम लेते हैं, जैसे अप्लाइड फोर्स इक्वल्स टू मान लेते हैं ए, अप्लाइड फोर्स इज 10 newton। देखो जब अप्लाइड फोर्स 10 newton है, ठीक है, एक अलग से डायग्राम बना लो इसका। इधर से अप्लाइड फोर्स कितना है 10 newton और फ्रिक्शन की लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है 40 newton। देखो 40 newton यहाँ पर नहीं लगेगा, इसको अपोज करने के लिए दिस फ्रिक्शन विल नॉट बी इक्वल्स टू 40 newton। ये कितना होगा, केवल 10 newton ही लगेगा। देखो 40 newton जो है ना मैक्सिमम ताकत है स्लिपिंग को रोकने के लिए, हमेशा 40 newton नहीं लगेगा, वो डिपेंड करेगा कि अप्लाइड फोर्स, अगर 10 newton इस बॉडी को रोकने के लिए कितना फोर्स की जरूरत है, फ्रिक्शन की जरूरत है, केवल 10 newton, इस 10 newton को रोकने के लिए 10 newton की जरूरत है। 40 newton अगर फ्रिक्शन इधर लगेगा तो फिर ये ब्लॉक कहाँ रुकेगा, तो स्लिपिंग होगा, अनबैलेंस फोर्स हो जाएगा, इधर 40 और इधर 10 लगेगा। तो ब्लॉक को स्लिपिंग को रोकना मेन काम है स्टैटिक फ्रिक्शन को, डेट्स वाई इसकी वैल्यू जो है यहाँ पर अप्लाइड फोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। 40 newton इज द मैक्सिमम ताकत, उतना तक जा सकता है मैक्सिमम। फॉर एग्जाम्पल एक और केस लेते हैं, बी एफ इज इक्वल्स टू 20 newton ले लो या 25 newton ले लो, चलो ठीक है। इसमें बताओ कि फ्रिक्शन इस केस में इस ब्लॉक के ऊपर कितना लगेगा, यही क्वेश्चन, क्वेश्चन तुम्हारा सेम है। तो देखो यहाँ तुमने लगाया 25 newton, फ्रिक्शन इधर से रोकेगा इस मोशन को, स्लिपिंग को, तो फ्रिक्शन कितना लगाएगा, देखो मैक्सिमम ताकत जो है ना एफ की वो है 40 newton, लेकिन इसको रोकने की कोशिश के लिए बस इसको 25 newton ही लगाने की ज़रूरत है। तो यहाँ आंसर विल बी फ्रिक्शन फोर्स विल बी 25 newton। एक केस और लेते हैं, तीसरा केस सी, व्हेन एफ इज इक्वल्स टू 50 newton, मतलब एफ इज इट इज़ क्लियरली ग्रेटर देन द एफ लिमिटिंग, लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा अप्लाइड फोर्स हो तो क्या होगा, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। इस केस में देखो, इस केस में जो है ना स्लिपिंग होगा, अब स्लिपिंग होगा तो बताओ फ्रिक्शन जो है स्टैटिक होगा या काइनेटिक होगा, तो इसका मतलब है कि फ्रिक्शन जो होगा वो होगा काइनेटिक फ्रिक्शन, अब इस ब्लॉक के ऊपर लगेगा।
कुछ इस तरह से हो जाएगा, इधर से एफ लगेगा और फ्रिक्शन जो होगा वो होगा काइनेटिक एफ के होगा, ठीक है। तो इसके कारण इसका एक्सेलरेशन होगा, इस केस में ना देखो एक्सेलरेशन होगा, ये तुमने लगाया 50 न्यूटन, ठीक है। और एफ के जो है तुम यहाँ पर निकाल सकते हो इस केस में, इस क्वेश्चन में देखो अब थोड़ा सा चेंज करते हैं, म्यू के की वैल्यू भी आपको इस क्वेश्चन में दे देता हूँ। म्यू के इस मान लो 0.3, तो म्यू के अगर दिया गया है तो तुम यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के की वैल्यू बता सकते हो। एफ के इक्वल्स टू हो जाएगा तुम्हारा म्यू के इंटू एन, और म्यू के कितना है 0.3 इंटू एन इज एम जी, एम जी इज 10 × 10 इक्वल टू 30 न्यूटन। तो देखो ये 30 न्यूटन, दिस इज 30 न्यूटन, तो इसका मतलब है देखो यहाँ पर एक्सेलरेशन होगा। अब तुम क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सेलरेशन निकालो इस ब्लॉक का, इस केस में एक्सेलरेशन इक्वल्स टू कैसे निकालोगे ये निकालना है तुमको क्वेश्चन। तो तुम ये बस निकालो नेट फोर्स कितना है एफ माइनस एफ के इक्वल्स टू एम इंटू ए, एफ कितना है एफ तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है यहाँ से निकाल सकते हो एफ इज 50 माइनस एफ के कितना है 30 इक्वल्स टू एम इज 10 इंटू ए, तो 20 इक्वल्स टू 10 इंटू ए, यहाँ से आ गया एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 2 m/s² ये ब्लॉक इस केस में 2 m/s² से एक्सेलरेट करेगा। तो लेट अस प्लॉट ए ग्राफ, यहाँ पर अब हम एक ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं इस केस में, ठीक है। सिचुएशन क्या है हमारा, एक ब्लॉक है विच हैज़ बिन केप्ट ऑन द ग्राउंड और उस पर एक हॉरिजॉन्टल अप्लाइड फोर्स लगाया गया है और इस पर फ्रिक्शन कुछ इस तरह से लग रहा है। तो लेट अस प्लॉट ए ग्राफ, ग्राफ ग्राफ किसके किसके बीच में प्लॉट करना है, तो हमें अप्लाइड फोर्स वर्सेस फ्रिक्शन के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। तो देखो एक एक्सिस पे हम अप्लाइड फोर्स ले लेंगे और एक एक्सिस पर हम ले लेंगे फ्रिक्शन। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर मैं ले रहा हूँ अप्लाइड फोर्स को और वर्टिकल एक्सिस पर लाइन पर मैं ले रहा हूँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को। तो देखो जब एफ स्मॉल था तो तुमने देखा था कि इसका मोशन नहीं हो रहा था, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। तो पहले स्टैटिक फ्रिक्शन होगा जब फोर्स स्मॉल होगा, तो उस केस में तुमने बताया था कि एफ, याद करो एफ वाज इक्वल टू एफ था अप्लाइड फोर्स, और ये तो इसका ग्राफ क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। जब फोर्स बहुत कम अप्लाई करोगे तो मोशन नहीं होगा और एफ इक्वल टू एफ स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, ये स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो देखो इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, स्ट्रेट लाइन एट पासिंग थ्रू ओरिजिन एट 45 डिग्री। अब देखो अप्लाइड फोर्स, जब फॉर एग्जांपल अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन की वैल्यू जो है एक मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच जाएगी, मान लो कि दिस इज एफ मैक्स, दिस इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, एफ लिमिटिंग जो तुमको पता है कि एफ लिमिटिंग की वैल्यू कितना है म्यू एस इंटू एम जी, ये हो गया, ये बता रहा है पॉइंट लिमिटिंग फ्रिक्शन को। अब होता क्या है कि अप्लाइड फोर्स की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ाओगे तो फिर तुमको पता है कि मोशन होने लगता है और फ्रिक्शन क्या हो जाता है, टर्न हो जाता है काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी वो थोड़ा सा इससे कम होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन से, बट कॉन्स्टेंट होगा। देखो वंस स्लिपिंग बिगन, जैसे ये पॉइंट बता रहा है इसके आगे, इस पॉइंट के आगे स्लिप पे ये जो फ्रिक्शन बन गया एफ काइनेटिक बन गया, और ये जो है रीजन इंक्लाइन वाला लाइन ये शो कर रहा है स्टैटिक। अब देखो इसकी जो वैल्यू है एफ काइनेटिक की वो कितना होगा म्यू के इंटू एन है एम जी। तो देखो म्यू के जनरली क्या होता है, नॉर्मली म्यू एस से छोटा होता है,
तो डेट इज़ वाई ये जो है ना लिमिटिंग फ्रिक्शन से काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कम होगी। ये कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का। लेट अस सॉल्व एक प्रॉब्लम ऑन टू ब्लॉक, दो ब्लॉक के भी क्वेश्चंस नॉर्मली आते हैं। तो एक क्वेश्चन हम ना टू ब्लॉक का एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास कि ये M1 है और ये M2 और दोनों ग्राउंड पर रखा गया है। ये स्मूथ है, मतलब कोई भी फ्रिक्शन यहाँ पर नहीं लगेगा। इस सरफेस पर कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन M1 और M2 के बीच में फ्रिक्शन लगेगा और उसके लिए कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन तुमको दिया गया है म्यू। जबकि ग्राउंड और M2 के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं लगेगा क्योंकि आपको दिया गया है कि दिस ग्राउंड इज दिस फ्लोर इज स्मूथ। यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई किया गया है M2 के ऊपर। आपको बताना है F मैक्स क्या होगा सो डैट both blocks move together। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F क्या होगा सो डैट कि बोथ मूव टुगेदर। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। इस तरह के क्वेश्चन का जो पहला स्टेप है फ्री बॉडी डायग्राम। तो M1 के ऊपर फ्रिक्शन किधर लगेगा और M2 के ऊपर फ्रिक्शन किधर लगेगा, बस इतना कर लो। क्वेश्चन के बहुत ही सॉल्यूशन के बहुत करीब पहुंच जाओगे। देखो M1 को आगे कौन ले जा रहा है, M2 को तो कैपिटल F जो अप्लाइड फोर्स है वो ले जा रहा है, M1 को कौन ले जा रहा है। देर इज़ ओनली पॉसिबिलिटी कि M1 जो आगे जाएगा, साथ साथ चलना है ना, तो M1 जो आगे जाएगा केवल और केवल फ्रिक्शन की वजह से जाएगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ से इसके अपोजिट में फ्रिक्शन लगेगा M2 पे। तो ये तुमने फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया। अब बस इक्वेशन लिखो F इक्वल्स टू M1 इंटू A। देखो कॉमन एक्सेलरेशन मान लेते हैं, एक्सेलरेशन दोनों साथ साथ मूव करेगा तो एक्सेलरेशन दोनों का सेम होगा A। तो ये पहले ब्लॉक के लिए, दूसरे ब्लॉक के लिए क्या लिखोगे, F माइनस F इक्वल्स टू M2 A। ये तुम दूसरे ब्लॉक के लिए लिखोगे। यहाँ से दोनों को इक्वेशन को ऐड कर लो। इक्वेशन को जब ऐड करोगे तो तुमको मिल जाएगा F इक्वल्स टू स्मॉल f कैंसिल हो जाएगा M1 प्लस M2 इंटू A। देखो यहाँ से तुम कुछ चीज़ देख रहे हो कि f अगर मैक्सिमम होगा तब होगा जब A भी मैक्सिमम होगा। ठीक है, f की वैल्यू ज़्यादा होगी तो A की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, सेम होगी। दोनों डायरेक्ट एक तरह से कह सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का नेचर है। तो अगर A का वैल्यू तुम मैक्सिमम बता दोगे तो F का भी मैक्सिमम वैल्यू बता दोगे। अब देखो A का मैक्सिमम वैल्यू तुम कहाँ से बताओगे, मैं ये बोल रहा हूँ कि A का मैक्सिमम वैल्यू अगर तुमको पता होगा A का, तो F का भी तुम मैक्सिमम वैल्यू बता दोगे। तो हमें निकालना है A मैक्स, बताओ ये कहाँ से निकालोगे। देखो पहले इक्वेशन से ऐसा तुम निकाल सकते हो। देखो पहले इक्वेशन को अगर थोड़ा ध्यान दो तो F की वैल्यू के ऊपर A की वैल्यू डिपेंड कर रही है, स्मॉल F के ऊपर, फ्रिक्शन के ऊपर। और इससे निकालते हैं स्मॉल एफ की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना होता है, म्यू एम जी। तो म्यू एम वन, यहाँ पर एम वन होगा। नॉर्मल रिएक्शन दोनों के बीच में कितना लगेगा, यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इसकी वैल्यू कितनी होगी, एन इक्वल्स टू एम वन जी होगा। तो म्यू एम वन जी इक्वल्स टू, तुम यहाँ से कर दो इसे, क्यों फर्स्ट इक्वेशन में मैंने केवल F की जगह रखा है म्यू एम वन जी इक्वल्स टू एम वन ए। यहाँ से A की वैल्यू जो होगी, इस केस में A मैक्स मिलेगा तुमको, यहाँ से निकाल लो M1 और M1 कैंसिल हो गया। तो A मैक्स इक्वल्स टू, A मैक्स जो आया दिस इज इक्वल्स टू म्यू जी आया।
इसकी वैल्यू यहाँ पर म्यू जी आएगी, ए मैक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो इस इक्वेशन में, तो एफ मैक्स जो होगा इक्वल्स टू होगा एम वन प्लस एम टू इंटू ए मैक्स रख दो म्यू जी, यही होगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सॉरी अप्लाइड फोर्स ऑन एम टू सो डैट कि बोथ द ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर।